ये कुछ ऐसे व्यू है ये प्रेसिडेंशियल पैलेस का। ये है हो ची मिन्ह म्यूज़ियम का रियल एंट्री गेट, जहाँ से आपको टिकट मिलेगा। पिलर पे पगोड़ा बनाया इसलिए इसका नाम वन पिलर पगोड़ा है। सेम ट्रैक है जहाँ से ट्रेन गुजरती है, और आजू बाजू में बहुत सारे कैफेज़ हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं ओल्ड क्वार्टर। ये है ओल्ड क्वार्टर का एरिया। यहाँ पे भी बिना मतलब के हॉर्न बजाने की के शौक बहुत से लोगों का है। ऐसे जैकेट्स, टी शर्ट्स, बैग के दुकान, ये पान टपरी है यहाँ की, और ये लिकर शॉप, लिकर शॉप। और ये देखिए इधर भी, ये जो दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक जो सिटी टूर है वो है। यानी आप इसमें बैठ के इलेक्ट्रिक सिटी टूर कर सकते हैं। और दूसरा हॉप एंड हॉप ऑफ बस, यानी जो डबल डेकर बस रहती है मुंबई में, जैसे मुंबई दर्शन वगैरह होता है वैसे बस में आपको घुमाएंगे, तो वो एक ऑप्शन है। तो वो भी बैठ के आप पूरी सिटी का टूर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको चल के दिखाया वैसे ये आपको उसमें बैठा के दिखाएंगे। वो भी अच्छा है अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो अच्छा है। यहाँ पे देखो हैलोंग बे वगैरह सबके प्राइजेस लिखे हुए हैं, डे ट्रिप के 39, टू डे के 89, 39 सपा, ये सारे ऐसे रेट्स है पैकेज। यानी आप हनोई में रहते हो तो आप हनोई से हैलोंग भी जा सकते हो, डे ट्रिप भी है, दो एक नाइट स्टे का है, टू नाइट स्टे, बाद में एक सपा करके प्लेस है वहाँ का भी पैकेज आपको मिल जाएगा। आपके होटल से आपको पिकअप करके घुमा के होटल वगैरह, खाना पीना सब वो पैकेज में इंक्लूड रहता है, वो करा के आपको वापस आपके होटल में छोड़ देंगे। मैंने हैलोंग बे का एक वीडियो बनाने वाला हूँ मेरे चैनल पे डे ट्रिप का, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं बाद में कि कैसे क्या ट्रिप होता है, क्या क्या होता है ट्रिप में, कैसा खाना क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या घुमाते हैं, वो सब आपको वो वीडियो में दिखाई देगा, दिखा दूंगा। तो अभी ये ओल्ड क्वार्टर रोड है, यानी ये पूरा ओल्ड क्वार्टर एरिया है। यहाँ पे सारे आपको दुकानें ऐसे निकलेस वगैरह ये वो जो टूरिस्ट प्लेस में होती है वैसी है, पर ये जैसे बैंकॉक पटाया ये सारे जो लोकेशंस है वैसे अभी तक ये उतना अपग्रेड नहीं हुआ, इसीलिए लोग भी थोड़े शांत है। नहीं तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस पे जो लोकल लोग हैं वो थोड़े बदतमीज, थोड़े बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। सारे देश की बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको थाईलैंड और ये थाईलैंड वगैरह में थोड़े ठीक ठाक लोग मिलेंगे, बाकी ये ऐसे कुछ होटल्स है, दाल डोलसा विटा, ऐसे बहुत सारे होटल्स। ये देखो लिटिल चांद हनोई हॉस्टल, ये हॉस्टल है। यहाँ पे रूम्स भी मिल जाएंगे और बंक बेड भी मिल जाएगा। बैंकॉक जैसे पटाया जैसे ही यहाँ आपको बहुत सारे थाई मसाज वगैरह भी, थाई मसाज नहीं सॉरी वियतनामी मसाज, वो सामने दिख रहा है ये, ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे यहाँ पे। बाकी यही कुछ है ये ओल्ड क्वार्टर का नज़ारा। पर यही जो प्लेस है जहाँ से सारे टूरिस्ट स्पॉट पास में है, आप देखिए कि ओल्ड क्वार्टर में आप बियर शॉप के 500 मीटर के रेडियस में, 500 मीटर के आसपास आप कहाँ जहाँ भी आपको अकोमोडेशन मिलता है वो आप ले लीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा दूर जाएंगे तो फिर रोज़ अगर आपको बीवर स्ट्रीट पे शाम को आना है पार्टी करने तो फिर आपको ग्रैब करना पड़ेगा या चल के आना पड़ेगा, तो वो थोड़ा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग। और ओल्ड क्वार्टर में जो बीयर स्ट्रीट है जो मैं आपको बता रहा था कभी से, तो ये जो सामने दिख रही है ये बीयर स्ट्रीट है। ये पूरा जो रोड है ना ये सामने से ये पूरा
और ये पूरा, ये यहाँ से फुल दोनों साइड ऐसे टेबल्स, जो सामने ये पीले टेबल्स दिख रहे हैं ना, वैसे टेबल्स लगाए जाते हैं और पूरा भरा जाता है। ये भी डेस्क है। अगर इसका एक मैं वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया है, वो भी आप जाके चेकआउट कीजिए। अभी आप ये दिन का माहौल देखिए, इधर का दिन में कैसा है। ये दिन का माहौल है यहाँ का। सेम ये पूरा स्ट्रीट वहाँ जो लास्ट तक ऐसा दिखता है ये स्ट्रीट। ये सुबह का वक्त है और यही मैंने वीडियो में रात का नाइट लाइफ दिखाया है हनोई का। बियर स्ट्रीट के का वीडियो बना है, उसमें जाके आप चेकआउट कीजिए कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है। आप सुबह और रात को यहाँ हो गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को बाउंडलेस नोमैड। और जो भी वियतनाम रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे डाल दिए, जैसे नाइट लाइफ, हेलोंग बे, बाद में वियतनाम सिटी टूर, यानी क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस है वो, यानी बाहर से दिखाया है मैंने। अगर आप अंदर जाके एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो सारी चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग में मिलेंगी। ये कुछ ओल्ड क्वार्टर का पूरा एरिया है, ये देखिए। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आपको होटल लेना है तो वो ओल्ड क्वार्टर के पास लीजिए, ज़रा हैपनिंग प्लेस है। नहीं तो थोड़े दूर रहेंगे तो आपको शॉपिंग वगैरह के लिए आने के लिए थोड़ा रोज़ ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बाकी अभी यहाँ क्लाइमेट, सुबह से ह्यूमिडिटी बहुत थी, कल रात को भी बारिश हुई और बादल गरज के बारिश हुई। अभी भी बारिश जैसा बारिश आने की चांसेस है। अच्छा है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा क्लाइमेट। यहाँ पे ऐसे कुछ बैग्स मिलते हैं, फैनी बैग्स वगैरह, आप अगर आके लेना चाहो तो ले सकते हो। कहते हैं यहाँ क्लोथ्स की क्वालिटी अच्छी है, पर दूर से दिख के मुझे कुछ खास नहीं लगे। शायद ये रास्ते के होंगे, तो वो जो गोवा टाइप्स अपने यहाँ गोवा में टी शर्ट्स मिलते हैं कि आओ गोवा में। ये जो ऐसे साइकिल है, ये जो साइकिल वाला है उसके आगे आपको बैठना है। सब अपने यहाँ साइकिल के साइकिल वाला आगे चलाते हैं और पीछे हम लोग बैठते हैं। यहाँ उल्टा है, सीट आगे है, पैसेंजर आगे बैठेगा और साइकिल वाला पीछे से साइकिल चलाएगा। बेचारे को कैसे दिखने वाला है उसी को वही जाने। फेनी पैक्स इधर बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे हैं, पर मन भी है मेरा लेने के लिए, लूँगा। पर अभी देखता हूँ कि हो ची मिन्ह सिटी जाके लूँगा, क्योंकि मेरे को अच्छा ज़रा स्टाइलिश चाहिए। और हो ची मिन्ह सिटी में वहाँ पे मार्केट है, तो वहाँ ही जाके लेने का मन है। सॉरी। सो यही कुछ ऐसे लोकल रेस्टोरेंट्स है, ये ऐसे कैफेज वगैरह है। यहाँ एक कॉफ़ी क्लब है सामने, ये जो बिल्डिंग है ये कॉफ़ी क्लब का बिल्डिंग है। जैसे मैंने आपको बताया, ये वियतनाम स्पेशली कॉफ़ी के लिए भी जाना जाता है। हम लोग एक नए जा लेक है, लेक के यहाँ पे एक पगोड़ा है जो मैंने बताया आपको, वो दिखा देता हूँ आपको। ये सामने आ गया लेक। ये लेक यहाँ अपने ओल्ड टाउन ओल्ड क्वार्टर के पास ही है, एक 500 मीटर की दूरी पे, यानी ओल्ड क्वार्टर में ही पड़ता होगा ये 500 मीटर के रेडियस में। सो ये लेक के पास भी एक पगोड़ा है, तो वो भी अभी एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या है। और ये सामने जो काउंटर दिख रहा है, ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का काउंटर है। जैसे अभी ये बस खड़ी नहीं है, पर मैं अगर मेरे पास विजुअल्स रहेंगे बस के तो वो डाल दूंगा। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस मैंने आपको रास्ते में दिखाई, वो है सिटी बस, वो आप पकड़ सकते हैं और घूम सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ प्राइजेस हैं उसके। ये उसका टिकट काउंटर है, 150,000 dong सिटी टू। ये फ्रिक्वेंटली 30 मिनट्स में रहती है, अनलिमिटेड गेट ऑन, ये देख अनलिमिटेड।
24 घंटे की 4.5-28। ओके, तो पास भी मिलते हैं 24 घंटे के, 2 दिन के। तो ऐसे कुछ रेट्स है, उसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको सिटी एक्सप्लोर करनी है और आपको चलना नहीं है, तो यू कैन गेट दिस। ऐसे बस लेके आप घूम सकते हैं। ये जो आपको सामने लेक दिख रहा है, वॉशरूम भी है ये लेक के यहाँ पे, ये लेक के साइड में यहाँ पे रात को, ये जो है ना लेक के साइड में ऐसे फुटपाथ पे चेयर्स लगाते हैं इन लोग, छोटे छोटे दुकान वाले, लेमनेड वगैरह के जो दुकान है उन लोग वहाँ पे टेबल और चेयर यहाँ पे लगाते हैं, ये सामने फुटपाथ पे। अच्छा माहौल रहता है। और सामने जो ब्रिज है, जो टूरिस्ट स्पॉट है, वो उसका भी रात को लाइट ऑन होता है, तो एक अच्छी एकदम यानी, पर ज़्यादा कोई टूरिस्ट यहाँ पे आके बैठता नहीं है। कल मैं आके बैठा था रात को, बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम शांति सुकून भरा प्लेस है। और यहाँ से ये जो हम लोगों ने रास्ते में देखी इलेक्ट्रिक बस, ये इलेक्ट्रिक सिटी टूर बस है, ये देखो ये लाइन से ऐसे पूरे सिटी घुमाएगी आपको। और वो ये इसका काउंटर है सिटी बस का, हो ची मिन्ह इलेक्ट्रिक सिटी बस। इसके भी कुछ प्राइजेस रहेंगे। व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस? ओके, ये है उसके रेट्स 245 3। ओके, तो ये रेट्स है ये इलेक्ट्रिकल सिटी टूर के। सो अभी मैं चलता हूँ वहाँ सामने, हमें वहाँ सामने जाना है। ये है जो ब्रिज और वो झाड़ों के पीछे पगोड़ा है और ये लेक, यहाँ पे आप बैठोगे, ये बेंचेस भी है यहाँ पर यहाँ पे जो चेयर्स लगाते हैं ना, एक अलग ही माहौल बनता है आपका। आप यहाँ आओगे तो बियर स्ट्रीट पे एक रात गुजारो, 2 नाइट है 3 नाइट है, पर एक रात यहाँ आके 1 घंटा आप बिताइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी उसी के सामने थोड़े शॉपिंग के बैग्स वगैरह की भी दुकानें हैं। पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ पगोड़ा, और ये रहा लेक, ठीक है। तो ये कुछ है, यहाँ पे भी फॉरेनर्स थोड़े बहुत है, बाकी इनके लोकल लोग ही हैं, क्योंकि पगोड़ा है तो हम लोग जैसे फॉरेनर्स वगैरह आते हैं वो सब लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचाने और आए हैं तो सिटी टूर करने आते हैं। इनका भगवान का प्लेस रहेगा शायद, इसके लिए टिकट है, मैं टिकट ख़रीद लेता हूँ और फिर आपको अंदर के विजुअल्स दिखाता हूँ अगर इन्होंने मुझे परमिट किया तो। ये एंट्रेंस है पगोड़ा का, और ये दिस टिकट काउंटर, टिकट प्राइजेस एंड द सन टेम्पल, नाइन बेन टिकट बॉक्स, ये कुछ प्राइजेस है 30,000 फॉर एडल्ट्स एंड 15,000 फॉर किड्स टिकट खरीद। This is how it looks like. ये कुछ यहाँ का वियतनामी नटखट बच्चा, सब लोग उसके साथ, ये फॉरेनर लड़कियाँ खेल रही है, वो फुल मज़े कर रहा है, और वो दोनों उसकी बहनें हैं, अभी बोल रहा है उधर। ये
एंजॉय कर रहा है इन लोगों के साथ। ये पोगोडो का इन्फॉर्मेशन अंदर से ऐसे दिखता है। सो आप आ जाइए, अच्छा क्लाइमेट है और मौसम भी बहुत अच्छा है। अगर आप ये लेक का देखोगे तो लेक का पूरा यहाँ पे ऐसे वॉकिंग एरिया बनाया है, वॉकिंग एरिया है पूरा। सो आप यहाँ पे शाम को वॉक भी ले सकते हैं, और जैसे मैंने कहा बेंचेस भी रहते हैं, तो वो बेंचेस भी पे बैठ के आप लेमनेड वगैरह ट्राई कर सकते हैं। आपका बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड होएगा। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यानी सस्ते में बहुत मज़ा आ जाता है या बहुत रिलैक्सिंग लगता है, जहाँ आप ज़्यादा पैसे देके भी आप एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये एक हाईली रिकमेंडेड है, मैं तो आपको बहुत रिकमेंड करूँगा कि भाई आके एक दिन शाम, रात को या शाम को आप आके वहाँ बैठिए और एंजॉय कीजिए। तो बस अभी पगोड़ा से निकलते हैं बाहर और चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, और हॉस्टल की तरफ वापस यहाँ पे एक आधा सेल्फी खींच लेता। ये थैंगलोंग वाटर पपेट शो, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये पपेट शो का भी एक रिकमेंडेशन आएगा कि टूरिस्ट प्लेस इन वियतनाम का में। सो ये भी आप विज़िट कर सकते हैं, यानी ऐसे पानी में पपेट का शो, कठपुतली का शो रहता है ना, वैसे वाला रहता है। तो ये भी एक प्लेस है। तो ओल्ड क्वार्टर के पास बहुत सारी ऐसी जो टूरिस्ट स्पॉट है ये ओल्ड क्वार्टर में ही है, के आसपास में ही है। सो अभी ये टेबल सजना शुरू हो गया है, ये देखिए ऐसे फुटपाथ पे दोनों साइड से ये अभी गेट बंद कर दिया। तो ऐसे टेबल सजना शुरू हो गया है। सो अभी थोड़ी देर के बाद ये थोड़े थोड़े कोई रोड बंद करना स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा ये ट्रैफिक हो जाता है, ऐसे ट्रैफिक हो जाती है। तो यही कुछ था, अभी इतना ही रखते हैं इस व्लॉग को। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोज़ डालता हूँ तो सबसे पहले आपको मिले।